Good morning. So I come to check my plants every morning. Because yes, they are the first things that I want to see in the morning. And it makes me really happy to see something new and something very pretty like this. This morning ritual is definitely gonna make your morning beautiful, happy, and you know, kind of satisfactory. Look at my spider plant. It's gonna give me so many babies through these flowers. आज क्या काम किया जाए? वैसे मैं ये कुछ पौधे लेकर आई थी नर्सरी से. इसमें आम है, अमरूद है, नींबू का है और जेड है. ये इनको लगाने का सोच रही हूँ. मेरे पास ये सकुलेंट है. इसको मैं दूसरे पॉट में शिफ्ट करने का काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इग्नोर्ड है और इसमें अब ग्रोथ भी अच्छी स्टार्ट हो गई है. ये देखो, जो पत्तियाँ नीचे गिर गई थी टूट टूट के, उनमें से नई ग्रोथ आ गई है और इसकी स्टेम पर भी आ गया है. ये देखो, ये नया आ रहा है, ये छोटा सा. ये भी छोटे छोटे तो बड़े हो गए. ये है इसका बड़ा वाला. तो मैं इसको आज अच्छे से लगा लेती हूँ. बेचारा, सॉरी यार. ये देखो, इसकी रूट भी आ रही है. एक दिख रही, अभी नहीं दिखेगी. ये देखो, है ना. तो सबसे पहले तो हमको जो भी आप पॉट ले रहे हो उसका ड्रेनेज होल होना चाहिए उसमें, ताकि पानी जब डाले तो पूरा पानी निकल जाए, उसमें इकट्ठा ना हो. पॉटिंग मिक्स बनाएंगे. पॉटिंग मिक्स के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ परलाइट. ये जो कटोरी मैं अभी वर्मी कंपोस्ट के लिए लूँगी, ये एक कटोरी वर्मी कंपोस्ट है. इसी कटोरी से चार कटोरी परलाइट है और ये चार कटोरी सैंड है और चार कटोरी कोकोपीट है. ये इक्वल प्रोपोर्शन में सबको मिक्स किया है सिवाय वर्मी कंपोस्ट के. इनको सबको अब मैं मिक्स करूँगी. बहुत अच्छे से मिक्स करना है ताकि जो फर्टिलाइज़र है, वर्मी कंपोस्ट है, वो सब में मिक्स हो जाए अच्छे से. ऐसा नहीं कि किसी पोर्शन में रह गया, किसी पोर्शन में नहीं है, अच्छी ग्रोथ के लिए. तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें. ये सैंड मिला दिया है. ऐसा लग रहा है ना जैसे कुकिंग चल रही हो. अब हम मिक्स करेंगे राई जीरा डाल के. ये हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है और अब इसमें मैं जो सकुलेंट अभी मैंने दिखाया था वो लगाऊंगी. ये कटोरी से मैं जगह बना रही हूँ बीच में, क्योंकि उस बेचारे प्लांट में उतनी ही रूट्स थी. मैंने उसको मिट्टी दी नहीं ज़्यादा, तो उसकी रूट्स बढ़ी नहीं पाई, तो उसमें इतनी छोटी सी मिट्टी है और उसी उतनी सी रूट्स में वो सारी मिट्टी में उतनी सी मिट्टी में वो सारी रूट्स जो हैं वहीं पर हैं. तो इसको अब लगाते हैं. मैं बताती हूँ कि इसकी इसको मैंने इतनी बुरी हालत में रखा है फिर भी इसकी ग्रोथ अच्छी क्यों हो रही है. क्योंकि पहली बात तो ये है कि मैंने इसको सनलाइट में रखा है, फुल सनलाइट में. सकुलेंट्स को सनलाइट चाहिए होती है, ये बिल्कुल भी इंडोर प्लांट्स नहीं होते हैं. और दूसरी बात कि ये ग्रोथ सीज़न चल रहा है अभी, तो ग्रोथ सीज़न में तो आप कुछ ज़्यादा एफर्ट्स ना डालें तो भी ग्रोथ होती ही है, है ना, बशर्ते कि आपने इसको लोकेशन सही दे रखी है. तो ये बहुत अच्छी तरह से अभी ग्रो हो रहा है और मैंने इसको इसलिए थोड़े ओपन पॉट में लगाया है ताकि जब ये और ज़्यादा जो छोटे छोटे पप्स आ रहे हैं ये अच्छे से ग्रो होगा. तो ये घना देखा होगा ना आप लोगों ने इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, जो भी प्लांट चैनल्स होते हैं सकुलेंट्स एडिक्ट होते हैं उनमें, वो लोग कितने अच्छे से डालते हैं, बहुत सारे सकुलेंट्स लगाए होते हैं. तो ये भी कुछ आई होप सो उस तरह से ही हो जाए. इसको अभी भी मैं फुल सनलाइट में ही रखूँगी. हाँ, आज और कल के लिए मैं सिर्फ इनडायरेक्ट में रखूँगी इसको, ताकि थोड़ा रूट्स एडजस्ट हो जाए इसकी,
और फिर उसको उसके बाद से मैं इसको फुल सनलाइट में रख दूंगी। और इसको अब पॉट करने के बाद जब आप मिट्टी डालें तो अच्छी तरह से इसको हिला लें, क्योंकि ऐसा करने से क्या होगा, एयर ब्लॉक्स जो है वो रुक जाएंगे। और अब इसमें जब हम पानी देंगे तो अगर आपकी मिट्टी पूरी सूखी है तो पानी इसमें अच्छे से देना है, पूरा पानी देना है, सूखी मिट्टी है तो इतना कि नीचे से पानी निकल जाए, पहली वाटरिंग जो होगी अपनी वो इतने अच्छे से पानी देना है। और फिर नेक्स्ट वाटरिंग जब भी दें तब ध्यान रखें कि मिट्टी सूखी हो, मॉइस्ट ना हो, क्योंकि देखो ये सकुलेंट का मतलब होता है जो अपने आप में वाटर को स्टोर करके रखता है। और जिनकी मिट्टी, जिनकी पत्तियां जो है वो काफ़ी थिक होती हैं ना, वो सकुलेंट होते हैं और उनको पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। देखो पानी गिर रहा है ना, ऐसे पहली वाटरिंग जब भी करें ऐसे पानी गिरना चाहिए नीचे से, अच्छे से करें। अभी देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने इसी, ये जो प्लांट है ना, ये मदर प्लांट से नीचे जो अभी मैंने पॉट किया है वो मदर प्लांट है, उसमें से कुछ लीव्स टूट गई थी, वो लीव्स मैंने यहाँ रख दी थी इस गमले में। और देखो वो सारी की सारी लग गई हैं, आ गया है नया प्लांट उनमें से और अच्छा ग्रो होगा अब ये। तो आज की ग्रीन ब्लॉगिंग यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल से जुड़े रहने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।